सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, बाबा साकार हरि से जुड़ी हुई। बाबा साकार हरि वही जो हाथरस हादसे में शामिल था। हाथरस हादसे के बाद बाबा साकार हरि ने पहली बार चुप्पी तोड़ी है। बाबा साकार हरि ने कहा है कि जो आया है उसे तो जाना ही होगा। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि हाथरस में किसी ने जहरीला स्प्रे किया था, जिस वजह से वहां पर भगदड़ मची। चुप्पी तोड़ने के बाद दो बहुत बड़े खुलासे उनकी ओर से हुए। पहली बात जो बहुत हैरान करती है वो ये कि जो आया है उसे जाना ही होगा। अगर बाबा की ओर से ये बयान सामने आता है, खास तौर पर सैकड़ों लोगों की मौत के बाद, वो सैकड़ों लोग जो कि उस बाबा में श्रद्धा रखते थे, आस्था रखते थे, सबसे बड़ी बात की विश्वास करते थे, अंधविश्वास करते थे, उसी अंधविश्वास के चलते वहां पर हजारों लोग, लाखों लोगों की भीड़ पहुंची, सैकड़ों लोगों की मौत हो गई। और उसके बाद बाबा इतने दिनों के बाद चुप्पी तोड़ते हुए कहता है कि जो आया है उसे तो जाना ही होगा। साथ ही उसने ये भी कहा कि हाथरस में किसी ने जहरीला स्प्रे कर दिया था, यानी कि कोई पॉइजनस गैस वहां पर थी, उस जहरीले स्प्रे की वजह से वहां पर लोगों में भगदड़ मची। यानी कि वहां जो महिलाओं की मौत हुई, सैकड़ों की संख्या में लोगों की मौत हुई, जिसमें राजस्थान की भी एक महिला शामिल थी, उस मौत के पीछे जहरीली गैस का हाथ था। अब ये बात साकार हरि कह रहा है, बहुत ही हैरान करने वाला ये खुलासा है। और इतने दिनों बाद जब चुप्पी तोड़ी तो वो भी ऐसे। हाथरस हादसे को लेकर ये बहुत बड़ी अपडेट है। निशाकार हर की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। हम 2 जुलाई की घटना के बाद से बहुत ही अवसाद से ग्रसित हैं, लेकिन होनी को कौन टाल सकता है। जो आया है उसे एक दिन तो जाना ही है। भले कोई आगे पीछे हो, हमारे वकील डॉक्टर एपी सिंह जी एवं हमें भी, जैसा प्रत्यक्षदर्शियों ने बेसैला स्प्रे के बारे में बताया, वह पूर्णतया सत्य है कि कोई न कोई साजिश जरूर हुई है। सनातन रूप से संचालित सत्य के साथ में जिसे कुछ लोग बदनाम करने में लगे हुए हैं, लेकिन हमें SIT और न्यायिक आयोग से तथा मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम के सभी अनुयायियों को भी पूरा भरोसा है कि वह दूध का दूध और पानी का पानी करते हुए साजिशकर्ताओं को बेनकाब करेंगे। हमने वकील डॉक्टर एपी सिंह जी के माध्यम से कमेटी के महापुरुषों से भी ये विनती की थी कि दिवंगत आत्माओं के परिजनों और इलाजरत घायलों के साथ जीवन पर्यंत तनमन धन से खड़े रहने की, जिसको सभी महापुरुषों ने अपनी अपनी सामर्थ्यानुसार मानना भी शुरू किया है, और हम उन्हें धन्यवाद प्रेषित करते हैं। अभी हम चिकित्सकों के परामर्श अनुसार स्वास्थ्य लाभ के लिए अपनी जन्मभूमि निज प्रभात बहादुर नगर में